जय श्री राम। आज का विषय है पुराण। भारतीय संस्कृति के मूलाधार के रूप में वेदों के बाद पुराणों का ही स्थान है। वेदों में वर्णित अगम रहस्यों तक जन सामान्य ही पहुंच नहीं की पहुंच नहीं हो पाती, परंतु पुराणों की मंगलमयी ज्ञान प्रदायिनी दिव्य कथाओं का श्रवण मनन और पठन करके जन साधारण भी भक्ति तत्व के अनुपम रहस्य से सहज परिचित हो सकते हैं। महाभारत में कहा गया है, पुराण संहिता पुण्या कथा धर्मार्थ संश्रिता आदि पर्व 1/16, अर्थात पुराणों की पवित्र कथाएं धर्म और अर्थ को प्रदान करने वाली है। श्रीमद् भागवत में इतिहास पुराणनि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एवं वक्त्रेभ्य संसृजे सर्वदर्शनः 3/12/39 कहा है कि इतिहास और पुराण रूप पांचवें वेद का समर्थ सर्वज्ञ ब्रह्मा जी ने अपने सभी मुखों को प्रकट किया है। इसीलिए कहा है, पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्माण स्मृतम। इनका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों का माना गया है। कम आयु में इतना पढ़ना असंभव जानकर द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इसे 18 भागों में बांटकर तदथात्र चतुर्लक्षम संक्षेपेण निवेशितम। मत्स्य पुराण 53/11 4 लाख श्लोकों से में सीमित कर दिया। कहते हैं स्वर्गादि लोकों में आज भी 1 अरब श्लोकों का विस्तृत पुराण है। महर्षि व्यास वास्तव में इनके रचयिता नहीं अपितु संक्षेपक या संग्राहक ही सिद्ध होते हैं। इसलिए वेदों की भांति पुराण भी अनादि माने जाते हैं। निरुक्त की व्याख्यानुसार पुराण माख्यानम पुराणम यानी जिसमें पुरातन आख्यान हो वह पुराण है। एक अन्य व्याख्यानुसार पुरापि नवम पुराणम यानी जो पुराना होने पर भी नवीन हो वह पुराण है। देवी भागवत के अनुसार श्रुति और स्मृति दोनों ही नेत्र हैं और पुराण हृदय है। पुराणों की संख्या 18 है। अब पुराणों के नाम व वर्णित श्लोकों की संख्या बदलाता हूँ। ब्रह्म पुराण 13,000 श्लोक, पद्म पुराण 55,000, वैष्णव यानी विष्णु पुराण 23,000 श्लोक, वायवीय यानी वायु पुराण या शिव पुराण 24,000 श्लोक, भागवत पुराण 18,000, नारदीय यानी नारद पुराण 25,000, मार्कंडेय पुराण 9,000, आग्नेय यानी अग्नि पुराण 16,000, भविष्य पुराण 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण 18,000, लैंग यानी लिंग पुराण 11,000, वराह पुराण 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण 81,100 श्लोक, वामन पुराण 10,000 श्लोक, कूर्म पुराण 18,000, मत्स्य पुराण 14,000 श्लोक, गरुड़ पुराण 19,000 तथा ब्रह्मांड पुराण में 12,200 श्लोक हैं। इन प्रमुख पुराणों से कुछ उपपुराण भी निर्मित हुए हैं, जैसे नरसिंह पुराण, नंदी पुराण, सांब पुराण, आदित्य पुराण आदि। जिन पुराणों में विष्णु के महात्म्य का वर्णन है वे सत्वगुण प्रधान, जिनमें ब्रह्मा जी की प्रधानता है वह रजोगुण प्रधान, और जिनमें अग्नि और शिवजी का महात्म्य का वर्णन आया है वह तमोगुण प्रधान पुराण है। 18 पुराणों में 4,04,800 श्लोक है। भारत माता की जय।